स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो अब हम कर रहे हैं 18.2 का पार्ट टू। पार्ट टू में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रमाणित करें कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरे भुजा के समानांतर खींची गई सरल रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। चलिए पहले ड्राइंग बना लेते हैं। तो ड्राइंग में क्या है, सबसे पहले एक त्रिभुज है। अच्छा, एक त्रिभुज कोई ए बी सी एक त्रिभुज है। अच्छा, यहाँ सवाल में क्या है, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से द्वितीय भुजा के समानांतर। तो एक भुजा मान लिया ये ए बी, ए बी के मध्य बिंदु सपोज किए ये डी मध्य बिंदु है, और बी सी के समानांतर दूसरी भुजा के समानांतर एक रेखा खींचा जो कि तीसरी भुजा ए सी को समद्विभाजित करेगी। ये हमें प्रमाणित करना है। यहाँ पे तीसरी भुजा का मध्य बिंदु मान लिया ये ई है। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले प्रदत्त यानी कि क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया है क्या, यहाँ पे ए डी बराबर है बी डी के, क्योंकि बोल दिया है कि पहली भुजा का मध्य बिंदु है, यानी कि ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी है, यानी ए डी बराबर डी बी। ओके, और क्या बोला है कि दूसरी भुजा के समानांतर यानी कि बी सी के समानांतर क्या है, ये डी ई है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, बी सी समानांतर है डी ई के। तो हमें ये प्रमाणित करना है कि प्रमाण करना है कि ए ई जो है वो बराबर होगा ई सी के। हमें प्रमाणित क्या करना है कि ये जो ई है, बिंदु ई है, वो ए सी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब ए ई बराबर ई सी होना चाहिए, यही हमें प्रमाणित करके दिखाना है। ठीक है, अच्छा अब हम प्रमाण शुरू करते हैं। तो प्रमाण में सबसे पहले लिखेंगे क्या, थैलस के नियम के अनुसार। तो थैलस के नियम के अनुसार क्या होता है कि जब भी किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा से दूसरी भुजा के समानांतर एक रेखा खींचे जो तीसरी भुजा को किसी एक बिंदु पर काटती हो, तो इस अवस्था में हमेशा जो होता है क्या होता है कि ए डी बटा डी बी, यानी ए डी बटा डी बी, इसका अनुपात हमेशा बराबर होगा ए ई बटा ई सी के, ए ई बटा ई सी। ठीक है, ये हमें थैलस के नियम के अनुसार ये हमें पता चलता है। तो अब इसी नियम का इस्तेमाल करके हमें इसको प्रमाण करना है। तो अब कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने क्या पाया कि ए डी प्रदत्त में दिया हुआ है, ए डी बराबर बी डी है, यानी कि हम इसमें रख देंगे ए डी और ये डी बी को ए डी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे फिर से ए डी बराबर ए ई बटा ई सी। अब ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि ए डी जो है वो बराबर है डी बी के। ठीक है, इसीलिए हम नीचे ये जो डी बी है इसको ए डी में बदल पाए। अब यहां से देखिए ऊपर ए डी और ये ए डी कट गया, इसका मतलब क्या होता है कि यहां पे वन इक्वल टू ए ई बाय ई सी, और यहां से क्या आता है कि ई सी बराबर ए ई। बस हमें यही प्रूव करना था कि ई सी बराबर ए ई होगा। ठीक है, बस हो गया प्रूव्ड। अब चार नंबर सवाल देख लेते हैं। चार नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, देखिए त्रिभुज ए बी सी की ए डी माध्यिका के ऊपर पी एक बिंदु है, बढ़ाई गई बी पी और सी पी क्रमशः ए सी और ए बी को क्यू और आर बिंदु पर काटते हैं। प्रमाणित करें आर क्यू समानांतर बी सी होगा। तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज, माना ये ए बी सी त्रिभुज है। अच्छा, ए बी सी में ए डी क्या है, एक माध्यिका है, ए डी एक माध्यिका है, यानी कि ए से लेके डी तक अगर हमने ये खींचा
माधिका क्या कहलाती है? जो भी माधिका होती है जिस शीर्ष से किसी दूसरे दूसरे रेखा पर दूसरी भुजा पर त्रिभुज के पड़ती है उस दूसरी भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, बी डी बराबर डी सी, ठीक है। अच्छा बढ़ाई गई, अच्छा ये क्या है, ए डी के ऊपर एक पी बिंदु ले लिया, ए डी के ऊपर एक पी बिंदु ले लिया, कोई एक बिंदु पी लिया। अच्छा बी से बी पी जो कि एसी भुजा को क्यू बिंदु पर काटती है, बी से लेकर के एक लाइन पी से होकर के जो एसी भुजा को क्यू बिंदु पर काटती है, और सी से लेकर के एक लाइन जो पी से गुजरेगी और ए बी भुजा को आर बिंदु पर काटती है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, अब सिद्ध करना है कि आर क्यू समानांतर बी सी होगा, ठीक, आर क्यू समानांतर बी सी होगा, ये हमें प्रूव करके दिखाना। तो चलिए सबसे पहले तो लिख देते क्या क्या दिया हुआ है प्रदत्त में, कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए डी, ए डी जो है वो क्या है, माधिका है, ए डी माधिका है, इसीलिए बी डी बराबर डी सी, ठीक है। अच्छा अब इसमें हमें प्रमाण क्या करना है, प्रमाण करना है कि आर क्यू समानांतर है बी सी के, आर क्यू समानांतर है बी सी के, ठीक है। तो अब हम इसके लिए कुछ अलग से कुछ और करना पड़ेगा इसको प्रूफ करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, इस ए डी लाइन को, ए डी लाइन को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, एक पॉइंट ई तक। हमने क्या किया, हमने ए डी रेखा को ई बिंदु तक बढ़ाया, ई बिंदु तक बढ़ाया। तो कैसे बढ़ाया, बढ़ाया कैसे, अच्छा यहाँ पे पी है, ठीक है, कैसे बढ़ाया कि या डी पी, डी पी बराबर डी ई हो, बढ़ाया और क्या लिखते हैं, पी डी बराबर डी ई है, ठीक है। इस प्रकार बिंदु को बढ़ाया कि पी डी बराबर डी ई होना चाहिए, और हमने क्या किया, हमने बी ई और ई सी को मिलाया, ओके, बी ई और ई सी को मिला दिया, ओके। अच्छा अब यहाँ पे डायग्राम में ज़रा देखिए क्या है, कि डायग्राम में बी ई सी पी, बी ई सी पी ये क्या है, एक चतुर्भुज है। तो हमें क्या मिला, हमें बी ई सी पी एक चतुर्भुज मिला, एक चतुर्भुज है। अच्छा इस चतुर्भुज में देख रहे हैं क्या, कि दो दो जो रेखाएं हैं, ठीक है, एक चतुर्भुज की दो रेखाएं, ठीक है, तब बराबर होंगी। यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों क्या है, मध्य बिंदु से होकर के गुजर रही हैं, कोई एक मध्य बिंदु से होकर के गुजर रही है, मतलब ये इधर बराबर है, इधर ये बराबर है। और ये कंडीशन कब होता है, जब चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं हमेशा बराबर हो तभी ऐसा होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो बी ई सी पी जो चतुर्भुज है वो एक आयत की तरह है, या एक समानांतर चतुर्भुज है, एक समानांतर चतुर्भुज है। अब जब ये समानांतर चतुर्भुज है इसका मतलब क्या होगा, बी पी समानांतर ई सी, बी पी समानांतर ई सी और पी सी समानांतर बी ई, पी सी समानांतर बी ई। अच्छा इतना मिला। एक और चीज, जब हमने बी पी समानांतर ई सी लिखा इसका मतलब क्या है, कि ये बी पी लाइन जो है वो कहाँ तक बढ़ा हुआ है, क्यू तक बढ़ा हुआ है, यानी पी क्यू, पी क्यू जो लाइन है वो भी ई सी के समानांतर होगा, क्योंकि बी पी जो है वो
ईसी के समानांतर है, तो हम इसीलिए यहाँ से लिख सकते हैं कि पीक्यू जो है वो भी समानांतर है ईसी के, ठीक है। पीक्यू जो है वो समानांतर है ईसी के, ठीक इसी तरह से जैसे देख रहे हैं बीई जो है बीई समानांतर है पीसी के, और पीसी लाइन आगे और बढ़ा हुआ है पीआर तक, तो इसका मतलब पीआर जो है पीआर समानांतर होगा किसके, बीई के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पीआर समानांतर है बीई के। इतना तक कर लेने के बाद अब हम डायग्राम को थोड़ा और देखेंगे। थोड़ा और कैसे देखेंगे कि अब दो त्रिभुज यहाँ पे ए बी ई, ठीक है, त्रिभुज ए बी ई में, ओके, अब त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में देखिए ध्यान से कि ए बी ई त्रिभुज में क्या है, बी ई समानांतर है आर पी के, बी ई समानांतर है पी आर के, ठीक है, बी ई समानांतर पी आर। इससे क्या है कि थैलस के नियम के अनुसार क्या कहते हैं कि जब भी कोई एक रेखा अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर हो और वो रेखा त्रिभुज के एक भुजा से दूसरे भुजा तक जाता हो, तो यहाँ से क्या पता चलता है कि इन दोनों का अनुपात यानी ए आर बटा आर बी बराबर होगा किसके, ए पी बटा पी ई के, ठीक है, ये ए पी बटा पी ई के, ये थैलस के नियम के अनुसार। ये त्रिभुज ए बी ई का हमने किया, अब सेम इसी तरह से ए सी ई त्रिभुज में हम लोग करेंगे। ए सी ई त्रिभुज में क्या है कि ई सी बराबर ई सी समानांतर क्यू पी, ई सी समानांतर क्यू पी, इसका मतलब ए क्यू बटा क्यू सी बराबर होगा ए पी बटा पी क्यू के, ठीक है। अब फिर से त्रिभुज ए सी ई में, त्रिभुज ए सी ई में क्या मिला हमें, हमें मिला ए क्यू बटा क्यू सी बराबर ए पी बटा पी, ए क्यू बटा क्यू सी बराबर ए पी बटा पी ई, ठीक है। अच्छा, ये भी थैलस के नियम के अनुसार यहाँ पर भी मिला है हमें यही चीज। अच्छा, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन वन, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन टू। अब समीकरण एक और दो में से हम करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है ए पी और पी ई दोनों में बराबर है, इसका मतलब क्या होगा कि ए आर बाई आर बी और ए क्यू बाई क्यू सी ये भी बराबर होंगे। तो समीकरण एक और दो से क्या पता चला कि ए आर बराबर ए आर बटा आर बी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी, ठीक है। अच्छा, ए आर बटा आर बी बराबर ए क्यू बाय क्यू सी। अच्छा, मैं यहाँ पे डायग्राम एक बार और बना देता हूँ नीचे, ओके, तो ये डायग्राम नीचे आ गया अब। हाँ, तो यहाँ से देख सकते हैं क्या कि ए आर बाय आर बी ए आर बाई आर बी बराबर है ए क्यू बाई क्यू सी के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है त्रिभुज, अब त्रिभुज ए बी सी में, अब हम अपना त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या पता चला हमें, हमें यहाँ से इस इक्वेशन से पता चला क्या कि ए आर बाई आर बी बराबर है ए क्यू बाई क्यू सी के। और ऐसा कब होता है, ऐसा तभी होता है जब ये आर क्यू जो है, ये आर क्यू जो है वो समानांतर होगा बी सी के, ठीक है। जब आर क्यू बी सी के समानांतर होगा तभी ये कंडीशन हो सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं ए बी सी में, ए बी सी में चूंकि ए आर बाई आर बी बराबर है ए क्यू बाई क्यू सी के, ठीक है, इसीलिए
इसीलिए आर क्यू जो है वो समानांतर होगा बी सी के, क्यों? थैलस के नियम के अनुसार, ठीक है, थैलस के नियम के अनुसार, ठीक। बस यहाँ तक ये प्रूव्ड हो गया। अगर अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को रिपीट करके वापस से देख सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा से इस सवाल पर वीडियो बना दूंगा। अब करते हैं पांच नंबर सवाल। पांच नंबर सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। त्रिभुज ए बी सी की बी ई और सी एफ दो माध्यिकाएं एक दूसरे को जी बिंदु पर काटती हैं एवं ई एफ सरल रेखा खंड ए जी सरल रेखा खंड को ओ बिंदु पर काटते हैं, तो प्रमाणित करना है कि ए ओ बराबर थ्री ओ जी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा हमारा डायग्राम, यहाँ पे ए बी सी एक त्रिभुज है। अच्छा, इस त्रिभुज में बी ई बी ई और सी एफ, सी एफ ये क्या है, दो माध्यिकाएं हैं जो एक दूसरे को जी बिंदु पर काटते हैं, ठीक है। यहाँ जो बिंदु मिला ये है जी। अच्छा, अब यहाँ से ए से लेके जी तक, ए से लेके जी तक एक रेखा खींचे जो कि ई एफ लाइन, इस रेखा को ई एफ लाइन ओ बिंदु पर काटता है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए ओ बराबर थ्री ओ जी, ठीक। तो हम क्या करते हैं, हम इसको भी बढ़ा लेते हैं आगे, हम इसको भी आगे बढ़ा लेते हैं और ये नाम दे देते हैं डी। तो चलिए सबसे पहले तो प्रदत्त, प्रदत्त में हमें क्या दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे देखिए दो माध्यिकाएं हैं, ठीक है, बी ई और सी एफ दो माध्यिकाएं हैं, बी ई और सी एफ दो माध्यिकाएं हैं, इसका मतलब माध्यिकाएं क्या करती हैं, भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांट देती हैं, ठीक है, दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। अच्छा, और एक चीज, और एक चीज, जब दो माध्यिकाएं एक दूसरे को जी बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर काटती हैं और ठीक उसी बिंदु से तीसरी भुजा, तीसरी भुजा पर एक शीर्ष बिंदु से तीसरी भुजा पर जब रेखा खींची जाए और वो भी उसी बिंदु से होकर के गुजरे तो वो लाइन भी एक माध्यिका होगी। तो इस हिसाब से यहाँ पे ए डी जो है, ए डी जो है वो भी क्या है, एक माध्यिका है। और हमें क्या पता चला इसमें कि बी सी, बी सी लाइन को डी बिंदु पर दो बराबर हिस्सों में काटते हैं। तो यहाँ से हो गया क्या कि ए डी बी ई और सी एफ तीनों माध्यिकाएं हैं, ठीक है, तीनों माध्यिकाएं हैं, ओके। तो तीनों जब माध्यिकाएं हैं तो अब, अच्छा अब एक और चीज, यहाँ पे एक जी बिंदु मिला। अच्छा, जी बिंदु क्या करता है, जी बिंदु पर तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं, जी बिंदु पर तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं, तो जी को, जी को गुरुत्व केंद्र कहते हैं, ठीक है। ऐसे स्थिति में जी को गुरुत्व केंद्र कहा जाता है, गुरुत्व केंद्र है, ठीक है। जी क्या है, यहाँ पे गुरुत्व केंद्र है। अच्छा, जी यहाँ पे गुरुत्व केंद्र है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब, इसका मतलब कि ए जी, ए जी हमेशा, अच्छा ए जी और जी डी का समानुपात या रेशियो, ए जी और जी डी का अनुपात जो है वो 2:1 होगा हमेशा, ठीक है। ये क्या कहता है, गुरुत्व केंद्र जो है जी त्रिभुज के लिए वो उस हिसाब से ये नियम बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि ए जी बराबर, ए जी अनुपात जी डी बराबर 2:1, ओके। इसका मतलब, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए जी जो है वो किसके बराबर है, ए जी है 2/3 के बराबर। अच्छा, और डी जी, डी जी जो है वो किसके बराबर है, 1/3
3 के बराबर, ठीक है। 1/3 किसके? ए डी रेखा के, ठीक। अच्छा, ये 2/3 और 1/3 कहाँ से आया? जरा यहाँ पे देखिए कैसे ए जी और जी डी क्या है, 2:1 में। ए जी और जी डी 2:1 में है, मतलब इसका मान 2 है और इसका मान 1 है, तो टोटल कितना हो गया? टोटल ए डी का वैल्यू कितना है? 3। टोटल 3 है, 3 में से ए जी का पार्ट कितना है? ए जी का पार्ट 2 है, तो 3 में से ए जी का पार्ट कितना है? 2 है। किसका 2? ए डी का, ठीक है, ए डी का। और वैसे ही जी डी में क्या है? जी डी कितना है? 3 का एक हिस्सा है, 3 का एक हिस्सा है, और किसका है? ए डी का है। तो इसी हिसाब से ये दो चीज़ें हमें पता चली। ओके, तो ए जी बराबर 2/3 ए डी और डी जी बराबर 1/3 ए डी। अच्छा, अब हम आगे करते हैं। आगे कैसे? आगे देखिए यहाँ पे, अब डायग्राम में आते हैं। डायग्राम में एफ और ई, एफ और ई क्या है? दोनों ए बी और ए सी की मध्य बिंदु। तो जब कोई भी त्रिभुज में दो रेखाओं के मध्य बिंदु को जब मिलाया जाता है तो वो हमेशा तीसरी रेखा के समानांतर होती है, ठीक है। ये और ये समानांतर है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख देंगे क्या कि ए बी का मध्य बिंदु एफ और ए सी का मध्य बिंदु ई है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से क्या पता चला? यहाँ से पता चला क्या कि एफ ई, एफ ई जो है वो समानांतर है बी डी के, ठीक है। एफ ई जो है वो समानांतर है बी डी के, ठीक। अब यहाँ से हम आधा आधा त्रिभुज ले लेंगे। हम पता करते हैं अब त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या है? देखिए ए बी डी में यहाँ पर बी डी जो है वो समानांतर है एफ ओ के, बी डी समानांतर है एफ ओ के। क्यों? क्योंकि ई एफ और बी सी समानांतर है, ई एफ और बी सी समानांतर है, इसीलिए इसका जो आधा आधा हिस्सा है वो भी समानांतर होगा, ठीक है। इसमें क्या हो गया? एफ एफ ओ समानांतर बी डी। अच्छा, एफ ओ और बी डी समानांतर है, इसका मतलब थैलस के नियम के अनुसार हमें क्या पता चलता है कि ए एफ बटा बी एफ बराबर ए ओ बटा ओ डी, ठीक है। अब थैलस के नियम के अनुसार हमें पता चला कि ए एफ बटा एफ बी बराबर ए ओ बटा ओ डी। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ए, ये जो एफ है ये बी, ए बी की मध्य बिंदु है, यानी कि ए एफ और बी एफ दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि ए एफ बटा ए एफ, ये एफ बी को, एफ बी को ए एफ भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं, बटा ए ओ बाय ओ डी। तो इधर ये कट गया, यानी कि 1/1। इसका मतलब यहाँ से हमें क्या मिलता है? यहाँ से मिलता है ए ओ बराबर ओ डी, ठीक है, ए ओ बराबर ओ डी। ओके, तो हमें मिला ए ओ बराबर ओ डी। अब हम क्या करेंगे? अब हम ए ओ और ओ डी की तुलना करेंगे। यहाँ से हमें पता चला, अच्छा, ये चूंकि दोनों बराबर हैं, यानी कि ए ओ बराबर हाफ ए डी, हाफ ए डी, ठीक है। ए ओ और ओ डी बराबर हैं, इसका मतलब ए ओ जो है ए डी का आधा है। ओके, अब हम सवाल पे आते हैं। सवाल हमारा क्या था? क्या प्रूफ करना है हमें? हमें प्रूफ करना है ए ओ बराबर ओ थ्री ओ जी। तो ए ओ और ओ जी को लिखते हैं, ठीक है, ए ओ बटा ओ जी। ओके, देख लेते हैं यहाँ से कैसे आता है ए ओ। तो हमारे पास ए ओ बराबर क्या है? हाफ ए डी, हाफ ए डी। अच्छा, ओ जी
ओ जी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ डी माइनस जी डी, ओ डी माइनस जी डी ये लिख सकते हैं। अच्छा ओ डी बराबर हमें क्या मिला, क्योंकि ए ओ और ओ डी बराबर है इसीलिए इतना बराबर ओ डी भी होना चाहिए, यानी ओ डी बराबर भी हाफ ए डी होना चाहिए। तो अब इसको आगे करते हैं, वन बाई टू ए डी बटा यहाँ पे ओ डी की जगह पे भी हाफ ए डी माइनस जी डी का मान, जी डी का मान कितना आया था हमारा यहाँ पे, जी डी का मान कितना आया था, हाँ वन बाय थ्री ए डी, तो वन बाय थ्री ए डी। ओके अब इसको सॉल्व करते हैं, बस सॉल्व करना है यहाँ पे, ए ओ बाय ओ जी, ए ओ ओ जी वन बाय टू ए डी, नीचे ये एलसीएम हो जाएगा सिक्स, तो ये हो जाएगा थ्री ए डी माइनस टू ए डी ए ओ बाय ओ जी बराबर वन बाय टू ए डी इंटू, यहाँ पे इसको हम उलट दे रहे हैं, सिक्स बाय यहाँ थ्री माइनस टू वन, यानी ए डी, यहाँ से ए डी और ए डी कट गया, तो इधर ए ओ बाय ओ जी बराबर ये कितना हो गया, ये टू और सिक्स कट गया थ्री बाय वन, तो यहाँ से ए ओ बराबर थ्री ओ जी, यही हमें प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। ओके तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, अब हम अगले वीडियो में बाकी सवाल करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।